नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रौनक। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। आज जो शेयर चूज़ करा है वो है बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। तो इस शेयर का आज जो क्वार्टर वाला रिजल्ट आया, तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा है और आपको मैं समझाऊंगा आगे चल के इसमें क्यों इन्वेस्ट करना है और क्या टारगेट देने वाला हूँ। तो वो सारे टारगेट अचीव होंगे और अपने पैसे को मल्टीप्लिकेशन करना है। मैं कोई इंट्राडे कॉल नहीं दे रहा हूँ आपको, ये इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से सारी कॉल देता हूँ आपको, क्योंकि मुझे पता है कि भाई इंट्राडे में 90% लोग लॉस ही करते हैं अपना। तो आप प्लीज़ अपनी कैपिटल को बिल्कुल लॉस मत करिए, पेशेंस का होल्ड करके बाय करेंगे तो डेफिनेटली आपका पैसा मल्टी ग्रो होगा, आपके पैसों की ग्रोथ होगी। अगर आप इंट्राडे करेंगे तो 100% आप लॉस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और समझिए क्या वजह है, क्यों शेयरों को बाय करना चाहिए, क्यों वजह सेल करने की, ये भी समझाता हूँ मैं आपको। तो ये मैंने कंपनी है जो खोल रखी है, वेबसाइट का नाम कंपनी का नाम है बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। अब बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कंस्ट्रक्शन के नाम से आपको समझ आएगा कि कई कंक्रीट पत्थर काम करने वाली कंपनी है। बट मैं समझाता हूँ ये कंपनी की ग्रोथ क्यों आ रही है, कंपनी की डिमांड क्यों बढ़ रही है, ये समझते हैं, ये काम क्या करती है समझते हैं। बिग ब्लॉक क्या होता है? तो ये देखिए, ये ब्लॉक जो होते हैं ना, ACC वाले जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक आपने देखे होंगे बहुत जगह पे, यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंग जितनी बनती है वहाँ पे ये ब्लॉक्स आपने यूज़ करते हो देखा होगा। और आजकल तो घरों में भी ज़्यादातर जो बड़े मल्टी स्टोरी बनते हैं, फ्लैट जितने बनते हैं, उनमें ये ब्लॉक्स इस्तेमाल होते हैं। इस ब्लॉक्स का यूज़ काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये ब्लॉक्स काफ़ी यूज़फुल ही होते हैं, इन ब्लॉक्स की काफ़ी क्वालिटी होती है, हाई क्वालिटी होता है, ठीक है, मटेरियल काफ़ी अच्छा होता है इनका और यूनिक होता है। इनके अंदर साउंड का ट्रांसपेरेंसी बहुत चीज़ों में बहुत, यानी काफ़ी अच्छा होता है। आपने कई जगह देखा भी होगा ये ब्लॉक्स का यूज़ होता है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, ठीक है। तो बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इसकी मैन्युफैक्चर कंपनी है, ठीक है। तो बेसिकली क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है और ये स्ट्रक्चर तैयार करती है, जैसे बिल्डिंग के चारों तरफ जो स्ट्रक्चर बनता है उसको भी ये कंपनी तैयार करके देती है। तो बेसिकली कंपनी का आपको काम समझ आ गया बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का क्या होता है, तो ये आपको थोड़ा थोड़ा समझ ही आ गया होगा। ये ब्लॉकिंग बनाती है, ब्लॉक्स, ACC के ब्लॉक्स बनाती है। तो इसका फीचर तो है कि कंस्ट्रक्शन में आगे ईंट रोड़े पत्थर यूज़ नहीं होते, ये ब्लॉक्स यूज़ होते हैं। तो सीमेंट के साथ इस ब्लॉक को यूज़ करेंगे तो आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन बनता है इससे, ठीक है। बड़े बड़े बिल्डिंग्स के अंदर ये ही यूज़ होता है। तो अब आपको इसका बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन का मॉडल समझ आ गया। ये देखिए इनका, मैं इनके फ़ोटो गैलरी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये किस तरह से मैन्युफैक्चर करते हैं, दिखा रहे हैं अपने आपको, ये फाइनली बन के कैसे तैयार होता है। ये देखिए इस तरह से बन के तैयार होता है, ठीक है ना, ये ब्लॉक्स बन के तैयार हो गए। तो यही काम करती कंपनी का, ठीक है। मेन काम क्या है कंपनी का, ACC ब्लॉक्स का बनाना, ये मैन्युफैक्चर करती है इस कंपनी, ठीक है। अब समझते हैं इसका ओवरव्यू क्या है। ये देखिए 17 जून 2015 से रनिंग में है, हेडक्वार्टर्स का इंडिया में है, ठीक है। तो आज का ओवरव्यू समझते हैं। ये देखिए ₹138, आज ये 0.79% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है, ठीक है। ₹138 पे ये ओपन होता है, 143 का हाई मारता है, 138 का ही लो मारता है। इसका 52 हाई है, 177.35 का, 52 लो है, 68.70 का। ये तो ओवरव्यू हो गया शेयर का, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कितने रिटर्न आया अभी तक। इसने 5 दिन के अंदर -0.84 रिटर्न माइनस में दिया। इसने 1 मंथ के अंदर 26% रिटर्न दिया, 6 मंथ के अंदर 67% रिटर्न दिया, अभी तक इन्हें 25% रिटर्न दिए। अब इसका ओवरव्यू और समझते हैं। देखिए मैंने मनी कंट्रोल की साइड ओपन कर रखी है, तो इसका बस मनी कंट्रोल की साइड पर आपको थोड़ा मोटा, देखिए इसका टेक्निकल रेटिंग जो आ रही है चार्ट की, वेरी वैल्यूस आ रही है, ठीक है। अब इसमें और चीज़ समझते क्या है, 75% इसमें एनालाइजर में बोले बाय करने के, 25% में हॉल, यानी सेल्स के, तो इसके अंदर एक भी वो नहीं है, कमेंट नहीं है कि सेल्स करने के लिए हमें कोई एनालाइजर बोल रहा हो। अब इसका बस हम आपके क्या समझते हैं, इसका शेयर होल्डिंग समझते हैं कि इसमें 71% है प्रमोटर के पास, 28% है पब्लिक के पास, ठीक है। ये इसकी शेयर होल्डिंग है, ठीक है। तो ये शेयर होल्डिंग है बस इसकी, यही है, बाकी और चीज़ें समझते हैं इसके अंदर। अब देखिए इसकी बात जो मैं कर रहा हूँ, मेन क्या है, जो इसका आज 4 घंटे पहले इसका जो क्वार्टर वाला रिजल्ट आया सेकेंड क्वार्टर का, ठीक है, वो समझते हैं क्या है। तो इसका मार्केट कैप है 201 करोड़ का, स्टॉक PE भी काफ़ी अच्छा है, ROC भी सही है, इसका बुक वैल्यू काफ़ी अच्छी चल रही है इस टाइम पे, ROE भी अच्छा है, इसकी फेस वैल्यू ₹10 की फेस वैल्यू पे शेयर है। कंपनी क्या कर रही है, क्वार्टर बाई क्वार्टर रिजल्ट अच्छे दे रही है, ठीक है। अब कंपनी का कॉम्पिटिशन तो इतनी सारी कंपनी के साथ तो है ही है, देखिए हिल लिमिटेड, रैमको, ठीक है, एवरेस्ट इंडस्ट्री, ये सब चीज़ों के साथ इनका कॉम्पिटिशन है। अब देखिए
जून के अंदर 2021 के अंदर इनका 3 करोड़ का प्रॉफिट आया था, वहीं सितंबर के अंदर बढ़ के डबल है, 50% इनका प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। वहीं सितंबर के अंदर कितना हुआ है, 6 करोड़ का, और ये ईयर वाइज देखेंगे तो ये 90% का प्रॉफिट हुआ। देखिए सितंबर 2020 के अंदर इनका प्रॉफिट हुआ था 2.29 करोड़ का, वही सितंबर 2021 के अंदर इनका 6 करोड़ का हुआ है, तो ये भी बड़ा इनका EPS में काफ़ी ग्रो हुई। देखिए अर्निंग पर शेयर के अंदर, काफ़ी ग्रो हुई है। देखिए लास्ट क्वार्टर इसका 0.86 था, वही बढ़ के अब सितंबर के अंदर गया 2.22। ये काफ़ी अच्छा वो होता है इंडिकेशन के शेयर के अंदर मूवमेंट आ चुकी है, अर्निंग पर शेयर बढ़ा है शेयर के अंदर, तो कंपनी अब ट्रेंडिंग की तरफ जाएगी डेफिनेटली। ये देखिए ना, 2 क्वार्टर से कंपनी काफ़ी अच्छे रिजल्ट है, ईयर वाइज कंपनी ने रिजल्ट अच्छा दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ देखने वाली थी, इनके सेल में भी काफ़ी अच्छी ग्रो आई है। देखिए जून 2021 के अंदर, क्योंकि लॉकडाउन के चलते काफ़ी इंपैक्ट पड़ा था, वही सितंबर के अंदर देखिए सेल इनकी डबल हो गई है, ठीक है ना। ईयर वाइज देखेंगे ये भी काफ़ी अच्छा है, डबल सेल मारा ईयर वाइज। तो अब देखिए इनका अब वो समझ लीजिए, ईयर वाइज के अभी हाल ही फिलहाल में 2019 से इनके क्वार्टर ईयर वाइज रिजल्ट दे रखे हैं, तो बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। कंपनी एवरी ईयर प्रॉफिट मेकिंग है। देखिए आपको 2019 के अंदर 7 करोड़ था, मार्च 2020 के अंदर 10 करोड़ था, 2021 के अंदर 12 करोड़, यानी एवरी ईयर भी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग चल रही है, एवरी ईयर कंपनी के EPS में ग्रो हो रही है और एवरी ईयर कंपनी ग्रो कर रही है, ठीक है। तो ये ओवरव्यू हो गया इसका। अब देखिए इसका टिकर टेप की साइड पे कितना है, ये कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट ग्रेनाइट के बनाती है। ये देखिए इसने अपना ये प्रॉफिट राइज करा, ये दिखा दिया इसने। अब इसका मैं क्या डेली चार्ट पे दिखाता हूँ आपको, कहाँ पे ख़रीदना कहाँ पे सेल करना है, इसको और समझते हैं। ये देखिए तो इसमें ये करेक्शन चल रही है इस टाइम पे, तो इसमें देखिए हम जो इसमें इसका स्टॉप लॉस रखेंगे वो रखेंगे 134 रुपये का स्टॉप लॉस से बाय करिए आप। देखिए कल की डेट में इसमें डेफिनेटली गिरावट भी होगी, बढ़त भी होगी, क्योंकि शेयर का रिजल्ट अभी आया रिजल्ट, तो इसमें कल के मूवमेंट देखा कि लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, क्योंकि जब से शेयर का अच्छे रिजल्ट आता है तो कंपनी का शेयर तेज़ी से भागता है, उसमें लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। ये देखिए इन्वर्टेड हैमर कैंडल बुलिश ट्रेड हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो ये कैंडल बनने के बाद इंडिकेशन होता है कि इसमें अप मूविंग होगी इसके अंदर, तो इस कैंडल पे यहाँ सपोर्ट भी लेगा इसके बाद से। ये देखिए इधर से ये सपोर्ट ले रहा है, जहाँ से ये कैंडल का बॉटम होता है वहीं से इसकी कैंडल की स्टार्टिंग होती है, यहाँ से बॉटम बना रहा है ये। तो इसमें जो पहला टारगेट आएगा मेरा आएगा 145 रुपये, क्योंकि ये कैंडल यहाँ पे ख़त्म हो रही है, फिर इस कैंडल का सपोर्ट लेके इसमें दूसरा टारगेट आएगा मेरा 50 रुपये का, ठीक है। 50 रुपये के लेवल को हिट करने के बाद इसमें तीसरा टारगेट है मेरा 155 रुपये का। ये देखिए यहीं पर करेक्शन ले रहा है इसी एरिए के अंदर, इस एरिए के वो करेक्शन लेने के बाद इसमें देखिए MACD भी काफ़ी अब ट्रेंडिंग चला, RSI भी इसका काफ़ी अच्छा चल रहा है इस टाइम पे, ठीक है। RDX नीचे जा रहा है, इसका मतलब इसके इंडिकेशन काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। तो ये समझने वाली बातें होती हैं, और कुछ समझने वाली बात तो चार्ट के अंदर इन्वर्टेड हैमर कैंडल के साथ ये बुलिश ट्रेड हुआ आज के डेट में इसमें। तो ये ओवरव्यू था इसका। और देखिए मैं वीकली चार्ट आपको खोल के दिखाता हूँ थोड़ा सा और, क्योंकि वीकली चार्ट जो इसका ब्रेकआउट बन रहा है काफ़ी अच्छा देखना। अब थोड़ा सा क्लोज करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए कप विथ हैंडल, जो पैटर्न आपने सुना होगा कप विथ हैंडल का पैटर्न ये बन चुका है। देखिए कि एक पूरा यहाँ पे कप बन चुका था, अब इसके बाद हैंडल बनकर तैयार हो चुका है, हैंडल अब प्रॉफिट आ गया। ये देखिए हैंडल पूरा तैयार होगा, अब इसके बाद अब ट्रेंडिंग होगा। ये देखिए यहाँ पे जो है 177 इसका 52 हाई तोड़ेगा डेफिनेटली आने वाले 1 से 1.5 महीने में, तो आप प्लीज़ 134 का स्टॉप लॉस से बाय करिए, ठीक है। 145 का पहला टारगेट होगा, 150 का दूसरा टारगेट होगा, और 155 रुपये का तीसरा टारगेट होगा। क्योंकि चार्ट पे देखिए आपका पूरा कप विथ हैंडल दिख रहा है, वीकली चार्ट पे काफ़ी अच्छा पैटर्न है। अब इसमें करेक्शन होनी थी, तो हैंडल में जितनी करेक्शन वो करेक्शन हो चुकी है, और शेयर का जो रिजल्ट आया क्वार्टर काफ़ी अच्छा है कंपनी का, तो डेफिनेट इसमें अप ट्रेंडिंग देखने को मिलेगी। 10 से 15 दिन में सारे टारगेट अचीव होंगे, तो आप इसमें 135 रुपये 134 के स्टॉप लॉस से बाय करिए। 145 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 150 रुपये का, तीसरा टारगेट 155, तीन टारगेट आप बाय करिए, पैसे सब बने रहिए। आई होप ये वीडियो आपकी यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।